अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, मैं आप सभी को, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे यूट्यूब पर सपोर्टर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को मैं 2020 ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब सब्सक्राइबर, माय यूट्यूब व्यूअर्स। और दोस्तों, आज हम जो विषय पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आज आपको एक लाइफ सेविंग या लाइफ हैजर्डस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कैंसर। दोस्तों, कैंसर जो है, ये अनेक प्रकार के कैंसर हमारे जिस्म में पाए जा सकते हैं या हो सकते हैं हमको, बट हमें जो है इनसे सुरक्षा करना है, इनसे बचना है। तो व्हाट यू विल डू, स्क्रीनिंग। तो कैंसर की हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज जिस मैं विषय के बारे में बात करने वाला हूँ वो है स्क्रीनिंग फॉर कैंसर। तो आज हम तीन कैंसर जो प्रामुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट हैं या जो फिर विशेष रूप से पाए जाते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, नंबर वन इज ओरल कैंसर, जो हमें मुंह का कैंसर होता है वो एक, दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर और तीसरा है सर्वाइकल कैंसर। तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर ये लेडीज पेशेंट्स में कॉमन होते हैं दोस्तों, और ओरल कैंसर ये जेंट्स में होता है और फीमेल्स में भी ये हो सकता है। दोस्तों, हम जब स्क्रीनिंग करने वाले हैं कोई भी कैंसर का, जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हमें उसके कुछ साइन सिम्टम देखना है दोस्तों, और उसके कुछ टेस्ट हमें करना है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कैंसर की। ओरल कैंसर हम जैसे कहते हैं, अगर हम अभी मैंने जो एक प्रोसीजर की है कि ये मेरा मुंह है और ये मेरे मुंह में अगर 3 से 4 बोट जाते हैं, अगर 3 से 4 बोट इजीली अगर मेरे मुंह में जाते हैं तो मेरा मुंह अच्छा है या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के मुंह में जो है 2 भी बोट नहीं जा सकते हैं, इवन 2 फिंगर्स कांट गो इन टू द माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, एंड दैट इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। तो वहाँ पर फाइब्रोसिस हो सकता है, मुँह बंद होता है दोस्तों, उसको एनोरेक्सिया हो सकता है, उसको भूख नहीं लगती है, वीक होता है बंदा वो, और ही मे गेट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ऐसे बहुत से साइंस में उसमें होते हैं। बाद में उसमें ओरल कैंसर में, ओरल जो स्क्रीनिंग करना है कैंसर्स का, हमें उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी देखना है फ्रेंड्स। एक है इरिथ्रोप्लैकिया और एक है ल्यूकोप्लैकिया। ल्यूकोप्लैकिया मतलब हमारा जो ओरल भाग है इसमें कोई सफेद दाग है क्या, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लैकिया। इसमें कोई लाल दाग है क्या, इसको बोलते हैं इरिथ्रोप्लैकिया। तो हमें जैसा मैंने किया है वैसा बार बार हमें आईने के सामने जाकर हमें देखना है कि मेरे मुंह में सफेद दाग है क्या, मेरे मुंह में लाल दाग है क्या, मेरा मुंह बराबर खुल रहा है क्या नहीं। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑफ माउथ। तो इसे हम बोलते हैं बाय मैनुअल ओरल एग्जामिनेशन। What we call by manual oral examination, okay? तो अगर ये इसमें से कोई भी चीज़ हमें है फ्रेंड्स, हमारा मुंह नहीं खुल रहा है, हमारे को इरिथ्रोप्लैकिया है, ल्यूकोप्लैकिया है, ओरल अल्सर्स हो रहे हैं बार बार, मुंह नहीं खुल रहा है, नो रहा है, एनोरेक्सिया है, ऐसे साइन सिम्टम्स आपको कभी भी दिखे तो इमीडिएटली आप एक सर्जन ओपिनियन या ENT स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ज़रूर ले दोस्तों। उसके आगे की प्रोसीजर वो आपको बताएंगे, सर्जन से ENT ओपिनियन, ENT स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या जो मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका वो बायोप्सी करेंगे या स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद वो जो है आगे टेस्ट करेंगे उसको। दैट इज़ ऑल अबाउट ओरल एग्जामिनेशन। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों, जिसका नाम है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो मैमरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, जो मैमल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स ह्यूमंस में तो पाए जाते हैं, इवन इन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ये पाए जाते हैं, बट फीमेल्स में जो है प्यूबर्टी में ये जो है इसका इनलार्जमेंट होता है, इंगार्जमेंट होता है दोस्तों, और जो है इसका जो है
वहाँ पे बहुत ही उपयोग है फीमेल्स में, फीमेल्स में जो ब्रेस्ट है उसका उपयोग जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चों को माँ का दूध अगर मिलेगा नहीं मिलता है तो बच्चे जो है वीक होते हैं दोस्तों, तो इसीलिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। अब ब्रेस्ट कैंसर जो चीज़ है या जो ब्रेस्ट का जो अलग अलग बीमारी है जिसको गैलेक्टोसील कहेंगे, ब्रेस्ट लम्प कहेंगे या फिर ब्रेस्ट पेन कहेंगे जिसको मैस्टेलजिया कहा जाता है, इसका भी हमें ज़रा ध्यान देना है दोस्तों। सभी पहले मैं आपको ब्रेस्ट का थोड़ा सा एनाटॉमी बताऊंगा कि उसमें जो है एक ये जो है ये पेक्टोरल रीजन में होता है और इसका एक्सटेंशन जो है स्टर्नम से लेकर एक्सिलरी एरिया तक होता है दोस्तों। नंबर वन, ये जो है इनलार्ज होता है एज एज प्रोग्रेसेस आफ्टर डिलीवरी आफ्टर प्रेगनेंसी, ये इनलार्ज होता है। नंबर दो, और इसमें जो है कोपर्स लिगामेंट होते हैं। नंबर तीन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लैक्टिफेरस डक्ट और लैक्टिफेरस साइनसिस लोब्स एल्वियोलाय और एरुला और नेपल, ये चीज़ें इसमें होती है। इसको एक्सिलरी आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी और मेमरी आर्टरी, इससे जो है इसको ब्लड सप्लाई होता है। इसके वेनस जो है वो सुपरफिशियल, इसका जो नर्व सप्लाई है वो सुपरफिशियल चेस्ट नर्व सप्लाई है इससे मिलता है दोस्तों। और इसका जो है मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन है जैसा कि मैंने बताया, लैक्टेशन है और ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन है, ये एक है। अभी हमको एक देखना है सर दोस्तों, जो भी हम एग्जामिनेशन करेंगे इसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE, तो एक लेडी को अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद करना है आफ्टर 30 ईयर के बाद, उसको जो है अपने ब्रेस्ट पर ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। उसके पहले भी आप दे सकते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, आपको खुद का जो जिस्म है वो वेस्ट तक ओपन करना है, मतलब आपको कमर तक उसको ओपन रखना है, और जो है दोनों चेस्ट का साइज़ देखना है आपको, दोनों ब्रेस्ट का साइज़ देखना है, कोई साइज़ तो कम नहीं हुआ है या कोई रिट्रैक्ट तो नहीं हुआ है या कोई पस वहाँ से आ रहा है या कोई वहाँ पे लंप है या कोई वहाँ पे रेडनेस है या वहाँ या कोई वहाँ पे अब्सेस है या वहाँ पे कोई सेलुलाइटिस हुआ है या फिर वहाँ से कोई ब्लड आ रहा है या फिर वहाँ पे कोई टेटरिंग है या फिर वहाँ से कोई व्हाट यू कॉल्ड वार्म लग रहा है, वो रेड लग रहा है टच पे, ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं क्या, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, एंगॉर्जमेंट जिसको हम कहते हैं, पेन है, मैस्टैल्जिया है, ऐसे असंख्य लक्षण है हमें वहाँ पे देखना है दोस्तों। हमारे दोस्तों को मैं सब्सक्राइबर्स को ये बताऊँगा कि आपका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है अच्छी तरीके से, आपको जो है तो अपना हाथ जो है ब्रेस्ट के ऊपर फैलाना है और उसको चेक करना है कि कहीं गांठ है क्या, कहीं पस है क्या, कोई रेड लग रहा है क्या, कोई गरम वहाँ पे लग रहा है क्या, यहाँ क्या वहाँ पे स्वेलिंग है क्या एक्स्ट्रा, ये आपको वहाँ पे चेक करना है। दोनों चेस्ट का साइज़ बराबर है क्या, ये वो आपको वहाँ पे देखना है दोस्तों। आपको इसी के साथ इसी को कहते हैं हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर आपको इसी में से किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो या लंप हो, गांठ लग रही हो, गैलेक्टोसील या फिर ब्रेस्ट लंप, ऐसा कोई भी आपको लग रहा है, रेडनेस, पस, ब्लड, आप इमीडिएटली एक सर्जन को या एक जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उसको जाके मिले और आगे की जो है प्रोसीजर आपको कर लेने चाहिए दोस्तों। इसमें मैमोग्राफी की जाती है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है और बेसिकली वहाँ पे क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका डॉक्टर वहाँ पे चेक करेंगे और वहाँ पे आपको वो मैमोग्राफी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे और वहाँ पे जो है FNAC, बायोप्सी, ऐसे ऐसे बहुत से असंख्य प्रकार हैं। पहले अगर मेडिसिन देंगे 3-4 दिन का, अगर उस पर कम ना हो तो आगे के प्रोसीजर पे वो जाएंगे और आपको जो है उसका वो प्रोटोकॉल बताएंगे और फॉलो करना होगा आपको दोस्तों। अभी आता है थर्ड पार्ट पे दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है ये जो है इसमें पैप्समेयर और VIA विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड दो टेस्ट कैसे करते हैं हम। उसमें VIA में विजुअल इंस्पेक्शन में स्पेकुलम लगाते हैं और एक गॉस पीस लेते हैं और उसको एसिटिक एसिड लगाकर वो पार्ट को हम लगाते हैं सर्वाइकल रीजन पर, तो वहाँ पे अगर वाइटिश पैच दिख रहा है तो उसको हम VIA पॉजिटिव कंफर्म करते हैं और उसको आगे स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं। पैप स्मियर में भी वहाँ का एक स्मियर हम लेते हैं स्पेकुलम से और उसको टेस्ट करते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको जो है आगे स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो अगले 5 साल के बाद उसको फिर से वो टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं।
और ब्रेस्ट कैंसर में भी ऐसा ही है, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो अगले 5 साल के बाद हम उस पेशेंट को बुलाते हैं दोस्तों। अगर ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, उसमें कैंसर का प्रॉब्लम आया है, डिटेक्ट हुआ है, मैलिग्नेंट सेल्स वहाँ पे आए हैं, तो उसको हम जो है ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल थेरेपी, फिर उसको ब्रेस्ट सपोर्ट, ऐसी बहुत सी चीज़ें देते हैं। सर्जिकल थेरेपी में मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टिक्टॉमी MRM या फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन, ऐसे 2-3 प्रोसीजर हैं, पर MRM इज़ द मोस्ट परफेक्ट एंड मोस्ट रियली यूज नाउ डेज, ऐसी प्रोसीजर है दोस्तों। फिर उसमें टेमोक्सिफेन या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं, और CMF ये केमिकल कीमो थेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी बिफोर, प्री ऑप और ऑप, पोस्ट ऑप भी दिया जा सकता है। प्री ऑप देने का मतलब है कि उस ग्रोथ को रोकना है या उसे और नहीं बढ़ना है। पोस्ट ऑप इसलिए देते हैं कि उसके ट्रीटमेंट पे आप में सक्सेसफुल रिजल्ट आया है दोस्तों। ये है ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कैंसर के आज मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया। होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और इसको लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो से। थैंक यू।